रिच डैड पुअर डैड बुक के पेज 104 में रॉबर्ट कियोसाकी चार स्किल्स रेकमेंड करते हैं कि ये स्किल्स हमारे पास होनी ही चाहिए, और ये चार स्किल्स हैं अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग मार्केट और गवर्नमेंट लॉज को समझना। वैसे ये चारों स्किल्स आज के दिन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं आपको कोई और स्किल्स रेकमेंड करना चाहता हूं। अगर वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों की हम लिस्ट देखें तो उसमें से मैक्सिमम बिलियनर्स टेक से ही हैं। अगर ये बिजनेसेस और ग्रो करते हैं तो ऑब्वियसली इन्हें इन स्किल्स वाले और लोग भी चाहिए होंगे जो इन बिजनेसेस को और बढ़ा सकें। तो हम इन्हीं स्किल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली स्किल जिसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है वो है क्लाउड सर्विस। आपसे मेरा एक सवाल है, नेटफ्लिक्स की मूवीज कहां पर स्टोर होती है? यस, यू गेस्ट इट राइट, नेटफ्लिक्स के सर्वर में नहीं, ये क्लाउड में होती है। वैसे ही एडोबी, ट्विटर, जॉनसन एंड जॉनसन, टाटा मोटर्स, लिंक्डइन या इवन स्पॉटिफाई की बात करें तो ये सारी भी क्लाउड पर होती हैं। इन शॉर्ट कोई भी कंपनी हो, मीशो, क्रेड एक्सेट्रा, सबको एक क्लाउड इंजीनियर चाहिए ही चाहिए जो कि उनकी फाइल्स को सिक्योर रख सके और उनके बिजनेसेस के ग्रोथ के साथ क्लाउड आर्किटेक्ट भी चेंज कर सके। तो इंडस्ट्री में तीन टॉप प्लेयर्स हैं जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ये है अमेज़न की डॉटर कंपनी AWS, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट Azure और गूगल क्लाउड। अब क्योंकि मैक्सिमम मार्केट शेयर AWS के पास है तो पहले हमें AWS से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आप AWS को सीखना चाहते हैं तो आप ये AWS की वेबसाइट में ही जाके सीख सकते हैं। ये कोर्स Amazon ने फ्री में रखा है ताकि जितने ज्यादा इंजीनियर्स के पास ये स्किल होगी, ये इंजीनियर्स जिन कंपनीज में काम करते हैं ये उन कंपनीज को AWS यूज करने के लिए ही कहेंगे। इवन कि अगर मैं गूगल एप्लीकेशन की बात करूं तो हम भी AWS ही यूज करते हैं, और इसका रीजन यही है कि हमारे इंजीनियर्स के पास ये स्किल है और उन्होंने ही हमें AWS यूज करने के लिए कहा था। नेक्स्ट आता है डेटा साइंस। YouTube में आपको कोई और वीडियो रेकमेंड होगी और मुझे कोई और, Amazon में आपको कोई और प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे और मुझे कोई और, इवन कि Zomato या Swiggy में आपको कोई और फूड दिखाया जाएगा और मुझे कोई और रेकमेंड किया जाएगा। इन शॉर्ट हम सबको हमारी पुरानी परचेज हिस्ट्री या वॉच हिस्ट्री के अकॉर्डिंग चीजें दिखाई जाती हैं। अगर आपके मन में ये सवाल आया है कि ऐसा कैसे हुआ, तो आंसर है रेकमेंडेशन इंजन यूजिंग डेटा साइंस। आजकल हर एक टेक कंपनी डेटा साइंस को यूज करती है। इवन कि अगर हम एशियन पेंट्स की बात करें तो एशियन पेंट्स के पास कंज्यूमर्स का इतना ज्यादा डेटा है कि वो काफी एक्यूरेसी से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस एरिया में किन पेंट्स की जरूरत होगी। और बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये बहुत बड़ा रीजन है एशियन पेंट्स की ग्रोथ का, क्योंकि इससे एशियन पेंट्स अपनी कॉस्ट को कम रख पाता है। एशियन पेंट्स ने ये सब डेटा कलेक्ट करना तब शुरू कर दिया था जब डेटा साइंस वर्ड बना भी नहीं था। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि क्यों बिलियनर्स का भी मानना यही है कि डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल चेंज एवरीथिंग। Artificial intelligence is going to change everything. तो अब सवाल आता है कि हम ये स्टार्ट कहां से करें। तो पहले तो जो मैं रेकमेंड कोर्स करूंगा वो है एंड्रयू एनजी का कोर्स, जो कि कोर्सेरा में आपको मिलेगा, जिसका नाम है डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन। ये कोर्स फ्री है और इस कोर्स को करीबन 700,000 लोग देख चुके हैं और 4.9 स्टार की रेटिंग भी है। दूसरा एरिया जो शुरू में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है टेंसर फ्लो। इसमें डीप न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड स्किल्स भी हम सीख सकते हैं, तो इन्हीं की वेबसाइट में जाके हम फ्री वीडियोस देख सकते हैं। थर्ड आता है ब्लॉकचेन। जैसे AWS क्लाउड के ऊपर बहुत सी एप्लीकेशंस बन रही हैं, वैसे ही बहुत लोगों का मानना है कि इथेरियम प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सी एप्लीकेशंस बनेंगी, और जैसे AWS के इंजीनियर्स की हमें जरूरत है, वैसे ही इथेरियम में जो लोग एप्लीकेशंस बना पाएंगे हमें उनकी भी जरूरत होगी। तो इथेरियम की लैंग्वेज सॉलिडिटी हम फ्री कोड कैंप नाम के YouTube चैनल में सीख सकते हैं। ये काफी सिमिलर है C++ लैंग्वेज के, तो जिन्हें C++ पहले से आती है उनके लिए काफी आसान रहेगा। नेक्स्ट स्किल आती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि हम किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें काफी सेक्शंस आते हैं, जैसे कि SEO, SEM, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एड्स, कॉपीराइटिंग एक्सेट्रा। अगर एड्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो skillshop.withgoogle.com में गूगल ने फ्री कोर्सेज अवेलेबल किए हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। इसके अलावा आता है कॉपीराइटिंग। इस आर्टिकल को देखिए, When my skinny doctor laughed at me, I actually threw my dress at him. एक्चुअल में ये लग रहा है कि ये न्यूज का कोई आर्टिकल है, बट इन रियलिटी ये कोई आर्टिकल नहीं है, ये एक एड है जो कि एक वेट लॉस प्रोग्राम को सेल कर रही है, और इस एड ने अपने ओनर्स को 150 करोड़ रुपए कमा के दी, और इसका मेजोरिटी क्रेडिट एड्स को नहीं जाता बल्कि इसकी कॉपीराइटिंग को जाता है। यानी इस एड ने किन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज करके इस प्रोडक्ट को सेल किया। बहुत सी बुक्स हैं जो ये स्किल सिखाती हैं, जैसे कि डैन कैनेडी की बुक द अल्टीमेट सेल्स लेटर या मैग्नेटिक मार्केटिंग, रसल ब्रंसन की बुक .com सीक्रेट्स एक्सेट्रा। इन सब बुक्स की टोटल कीमत 3,000 से 4,000 रुपए है, लेकिन अगर आपको हिंदी में इनका कोर्स चाहिए जिनमें इन सब बुक्स के कॉन्सेप्ट्स एक साथ कंबाइन किए हो, तो इस पर हमने एक कोर्स बना रखा है जिसमें हमने जो खुद कैंपेन्स रन करे थे उसका भी एग्जाम्पल है। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं
तो आज के दिन यानी 5th जून 2022 को हम ये कोर्स सिर्फ 447 रुपीज में देंगे। इसके साथ ही गीगल एप्लीकेशन की 30 डेज की सब्सक्रिप्शन भी देंगे ताकि आप ये सारी बुक्स भी सुन सकें जिनके बारे में हमने आपसे बात की है। तो अगर आप इस स्किल में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। एनीवेज, नेक्स्ट स्किल आती है यूआई यूएक्स डिजाइनर। आप क्रेड एप्लीकेशन में जाओ और उसका डिजाइन देखो, वो न्यू मॉर्फिज्म डिजाइन यूज कर रहे हैं। हर एक इंसान जो ये एप्लीकेशन यूज कर रहा है उसके डिजाइन के बारे में बहुत तारीफ करता है। इस वक्त मार्केट में अच्छे यूआई यूएक्स डिजाइनर की बहुत डिमांड है। इसका एक रीजन ये भी है कि पहले लोग यूआई डिजाइनर को समझते थे कि ये बस खूबसूरती बढ़ाने के लिए है, लेकिन अब एंटरप्रेन्योर्स इसे दूसरे तरीके से भी देख रहे हैं। जैसे कि एक अच्छा यूआई ट्रस्ट क्रिएट करता है, विश्वास क्रिएट करता है। अब आप खुद ही कोई एप्लीकेशन खोलो, अगर उसमें सब कुछ बिखरा पड़ा होगा तो आपको उस एप्लीकेशन पर विश्वास नहीं होगा और शायद आप उन एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन भी ना लो। तो जो स्किल्स यूआई यूएक्स डिजाइनर के लिए आप सीख सकते हैं वो है फिग्मा या एडोबी एक्सडी में डिजाइन्स करना। आजकल जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग फिग्मा काफी प्रेफर करते हैं, उसका रीजन ये भी है कि जब भी आप फिग्मा में कोई फाइल डिजाइन करते हो तो एक प्लगइन है जिसे यूज करके जेसन फाइल मिल जाती है। जिसे नहीं पता कि जेसन फाइल क्या है तो डोंट वरी, बस ये कुछ लाइन ऑफ कोड्स हैं जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिल जाए तो उसको काफी आसानी हो जाती है डिजाइन को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने के लिए। फिग्मा आप खुद फिग्मा के साइट में जाके सीख सकते हैं या फिर यूट्यूब में काफी फ्री कोर्सेज अवेलेबल भी हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट उन 4 स्किल्स के ऊपर जो रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें रेकमेंड की थी, और उनमें पहली 2 स्किल्स हैं अकाउंटिंग और इन्वेस्टिंग। अकाउंटिंग का मतलब है कि नंबर्स को समझ पाना, टर्म्स जैसे कि आरओआई क्या होती है यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो और इवन बैलेंस शीट्स एक्सेट्रा सब समझ पाना। अब रॉबर्ट कियोसाकी ने ज्यादातर इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में करी है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट में। तो रिच डैड पुअर डैड के एंड में वो वही एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे उन्होंने एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए खुद 10% पे करे, उसके बाद उन्होंने कुछ लोन लिया और कुछ ही दिनों में उसे महंगे प्राइस पर बेच दिया, या फिर एक दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी 20% डाउन पेमेंट में जिसमें 80% पेमेंट उन्होंने लोन दे के करी जिसे रेंट पर दे दिया, और उसकी रेंटल इनकम लोन की किस्त से ज्यादा थी, इसलिए इवन उस रेंटल इनकम से हर महीने लोन की किस्त देने के बाद भी उनके पास कुछ पैसे बच जाते थे, और इस प्रोसेस को वो बार बार करते रहे और इसीलिए अब उनके पास हजारों यूनिट्स हैं। नेक्स्ट स्किल जो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं सीखने के लिए वो है अंडरस्टैंडिंग मार्केट। इन शॉर्ट, जब ओवरऑल मार्केट डाउन है यानी मैक्सिमम इंसान दुखी है और चीजों को सेल कर रहे हैं, तो उस वक्त चीजों के रेट सस्ते हो जाएंगे और उस वक्त हमें वो करेज दिखाना है और इन्वेस्टमेंट करनी है। अगेन, उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं जब मार्केट की वैल्यू डाउन थी और जब करोड़ों के घर बहुत सस्ते में मिल रहे थे। अगर इसे हम स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो चाहे 2008 का क्रैश हो या कोरोना की वजह से 2020 का क्रैश हो, उस वक्त जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था सबने अपने पैसे 1 से 1.5 साल में डबल कर लिए। इन शॉर्ट, मार्केट कंडीशंस को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। नेक्स्ट स्किल है लॉ को समझना। अब इससे रॉबर्ट कियोसाकी का मतलब है कि जब भी तुम कंपनीज चला रहे हो तो उसके लॉज पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई लॉ तोड़ दो और बाद में अपने बिजनेस को बड़ा करने के बजाय सारा टाइम कोर्ट के चक्कर काटने में लगे। तो अब बात करते हैं कि हम ये सब कैसे सीख सकते हैं। अकाउंटिंग की बात करें तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़नी है, इसके बारे में एक शॉर्ट कोर्स मैंने बनाया है। ये एक फ्री कोर्स है जो गूगल एप्लीकेशन में अवेलेबल है, जिसे पढ़ के आई गारंटी कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। अब इससे कोई सीए का एग्जाम तो क्रैक नहीं होगा, लेकिन इतनी नॉलेज होगी कि हम अपने सीए से कम बात कर सकें। इन्वेस्टिंग और अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स के ऊपर भी हमने एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करी है, इसे आप जरूर देखिएगा, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है लॉ। अब कंपनी से रिलेटेड टैक्सेस के कुछ टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि यार क्या करना है, ये स्किल्स वगैरह क्यों टाइम और पैसे वेस्ट करें, क्या पता ये कल को काम आए या ना आए। तो जब मैं इन चीजों के बारे में सोचता हूँ तो वो थिंकिंग मॉडल कुछ ऐसा होता है, ओके, मैं ये स्किल्स ना सीख के टाइम तो सेव कर लूंगा, लेकिन क्या मैं वो सेव्ड टाइम को बड़ी स्किल में इन्वेस्ट कर भी पाऊंगा या नहीं, और अगर नहीं तो फिर कोई ना कोई स्किल मुझे सीखनी ही चाहिए। इसे ऐसे भी इमेजिन किया जा सकता है कि आपके टूल बॉक्स में कितने टूल्स हैं या फिर आपके पास कितने टाइप के तीर हैं। अपने टूल बॉक्स के साथ हमें और लोगों के टूल बॉक्स में जो टूल्स हैं उन्हें भी जानने की स्किल होनी चाहिए। ओके, तो एक बार ये सारी स्किल्स को हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या बात करी थी। तो सबसे पहले हमने बात करी थी क्लाउड सर्विस की, जिसमें हमने बात करी थी AWS की जो हमें फ्री ट्रेनिंग्स भी देते हैं। नेक्स्ट था डेटा साइंस, इसमें हमने देखा था कि कोर्सेरा में एंड्रयू एनजी का कोर्स है और टेंसर फ्लो के लेक्चर्स भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी थी डिजिटल मार्केटिंग की, गूगल में इसके कोर्सेज हैं, और अगर हम कॉपीराइटिंग की बात करें तो उसका कोर्स नॉमिनल प्राइस पर गूगल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसमें आज के दिन 30 डेज तक की गूगल सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। यूआई यूएक्स में हमने फिग्मा की बात की थी और इससे रिलेटेड ट्यूटोरियल्स फिग्मा की वेबसाइट में ही है। ब्लॉकचेन में हमने देखा था कि कोड कैंप यूट्यूब चैनल में सॉलिडिटी से रिलेटेड लेक्चर्स अवेलेबल है।
इसके अलावा अकाउंटिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में हमने गीगल एप्लीकेशन में बात करी थी कि उसमें एक फ्री कोर्स अवेलेबल है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स और टैक्सेस के बारे में कुछ बेसिक टॉपिक्स हमने अपनी पुरानी YouTube वीडियोस में कवर किए हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। एनीवेज, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।